देखिए, इस कॉन्फ्रेंस के अंदर तो डेफिनेटली जो कलर डॉपलर यानी कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड बेस्ड होता है, जो ब्लड सप्लाई चेक करता है तो किस तरह से ब्लड सप्लाई उसमें जा रही है, जिसमें ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन है, जैसे किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ है तो उसमें किस तरह से ब्लड सप्लाई जा रही है, कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, क्या वो ऑर्गन रिजेक्ट हो रहा है, तो ये सब चीज़ें इसमें देखी जाती है। जो आजकल जो एडवांसमेंट्स हो रहे हैं वो ये हैं। उत्तर प्रदेश की जो रेडियोलॉजी की सोसाइटी है, ये उसका अर्धवार्षिक प्रोग्राम है, मिड टर्म CME है, और इसमें मेनली UP के डॉक्टर्स हैं, लेकिन कुछ कुछ बाहर से भी आए हैं, जैसे राजस्थान से, भीलवाड़ा से। 2 दिन का ये वो है CME, और पहले दिन इसमें हम लोग लीवर के ऊपर फोकस कर रहे हैं, लीवर और किडनी का जो ट्रांसप्लांट है, जो इस समय बहुत कॉमन हो चुका है, और लीवर और किडनी की जो परेशानियां हैं उससे समाज काफ़ी हद तक ग्रसित हो चुका है। 3D अल्ट्रासाउंड का जो रोल आया है उस पर हम कल स्पेशली ब्रेन में अभी तक हम 3D अल्ट्रासाउंड का यूज़ करते थे सरफेस पर, कि बच्चे के नाक में, कान में, अगर फेस में कोई अबनॉर्मेलिटी है या हाथ पैर में अबनॉर्मेलिटी, वहाँ यूज़ करते थे। अब वो कहते हैं कि इसके हम अंदर के स्ट्रक्चर का भी बेटर स्टडी कर सकते हैं, जैसे कि ब्रेन है जो हम कल टॉपिक ले रहे हैं, हम बच्चे का फीटस का ब्रेन पर डिस्कशन कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस जो हुई है उसमें सुबह के जो लेक्चर से, आजकल ट्रांसप्लांट का ज़माना चल रहा है, तो इसमें लिवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, अब जो मरीज आते हैं ना हम लोगों के पास, कराते आगरा के रहने वाले हैं, दिल्ली से ट्रांसप्लांट करा के आ रहे हैं, तो अब वो बार बार फॉलोअप में कैसे जाएँ दिल्ली वगैरह, तो उनके लिए रिसेंट एडवांस क्या क्या चल रहा है, कैसे कैसे हम डायग्नोस कर सकते हैं कि ट्रांसप्लांट रिजेक्ट तो नहीं हो रहा, आगे सक्सेस रहेगा नहीं रहेगा, इसके ऊपर काम आज काफ़ी डिस्कशन हुआ। इस समय का जो चार्म है, जो सबसे बड़ा इस बार का जो सेशन अभी हुआ है, वो है ट्रांसप्लांट के ऊपर। लिवर ट्रांसप्लांट के बाद कैसे अल्ट्रासाउंड और कैसे इमेजिंग होनी चाहिए, CT होनी चाहिए, जो ये सब चीज़ें बता पाएँ कि सही चल रही हैं या गलत चल रही हैं। किडनी ट्रांसप्लांट के ऊपर, किडनी के ऊपर चीज़ें, और ब्लड प्रेशर जैसे बढ़ता है उसमें एक कारण मुख्य रूप से किडनी की सप्लाई करने वाली आर्टरीज़ की स्टेनोसिस होती है, उनको अल्ट्रासाउंड के द्वारा कैसे पकड़ा जाए, ये सब आज के सत्र में अभी तक डिस्कस हुए हैं। बाटला कॉन्फ्रेंस जो हुई है इसमें बेसिकली लीवर के बारे में, लीवर में अगर जो सिरोसिस होती है या लीवर सिकुड़ जाता है या उसमें क्या कोई इलास्टोग्राफी करते हैं उसमें, जिससे पता चलता है कि लीवर कितना डैमेज हो चुका है। आजकल तो नई नई तरह की मशीन आ गई हैं, हर कंपनी के पास मशीन है, इससे हम पता कर सकते हैं कि लीवर कितना डैमेज हुआ है।